मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एमडीए ऑफिसर्स कॉलोनी आशियाना योजना स्थित तरंग क्लब हाउस में युवा प्रेरणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे वैभव आनंद शर्मा का प्राधिकरण परिवार की ओर से जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि मुरादाबाद का नाम रोशन करने वाले वैभव आनंद शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल्स परीक्षा 2023 में 58वीं रैंक में सफलता प्राप्त कर मुरादाबाद को गौरवान्वित महसूस कराया है। कैरियर उन्नति की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद रहे युद्ध द्वारा युवा आईएएस वैभव आनंद शर्मा से अपनी जिज्ञासा के सवालात भी किए गए। इस मौके पर युवा आईएएस वैभव आनंद शर्मा द्वारा अपने करियर की सफलता की कहानी बताई गई। और एक दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं बहुत डिमोटिवेटेड था और मैं यहीं पे चल रहा था और पापा जी के साथ ही वॉक कर रहा था, तो पता चला कि जो हमारा पार्क है वो रिनोवेट होने लगा, उसमें पेंट होने लगा। धीरे धीरे वही डिमोटिवेशन के दिन थोड़े चल रहे थे, पता चला कि इस क्लब में लाइटें लग गई। वो डिमोटिवेशन के दिन चल रहे थे, पता चला क्लब खुल गया जो 10-12 साल से बंद था। तो मुझे पता चला, मैंने पापा से पूछा, पापा ये सब कैसे हो रहा है? बोले वो नए वीसी साहब आए हैं, उनका मन है ये सब सही होने का। मुझे मोटिवेशन मिल गया सर, मैं जिस चीज़ के लिए बनना चाहता था वो शायद मैं थोड़ा थोड़ा भूलने लगा था, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये क्लब, ये पार्क का रेनोवेशन, ये कॉलोनी में जो सब कुछ ठीक हुआ, कहीं ना कहीं मेरी किस्मत से भी हुआ है। क्योंकि मैं जब वहाँ पे टहल रहा था तो जब मैं देख रहा था ना ये काम हो रहा है, तो मुझे यही तो करना था समाज में, मैं ऐसा ही तो कुछ करना चाहता था, तो मुझे वो एक मोटिवेशन मिला। होते हैं तो हमें क्या लगता है, पहले पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ये कॉमन सेंसिकल थिंकिंग है। सीढ़ियाँ एक एक करके ही चढ़ी जाती हैं, लेकिन जब आईएएस की तैयारी करी जाती है तो पहले मेंस की तैयारी करी जाती है, क्योंकि प्री कुछ नहीं है, वो बस एक हॉल टिकट है। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल लिया था और अच्छे खासे मार्जिन से निकाला था, लेकिन उसके बाद जब मैं मेंस में बैठा तब मुझे पता चला कि मेहनत तो प्री निकलवाती है, मेंस तो स्ट्रैटेजी से निकलता है, और मैं अपनी कट ऑफ से 29 नंबर पीछे रह गया था। लेकिन मुझे उससे ये चीज़ रियलाइज हो गई थी कि अगर मैं पहले अटेम्प्ट में कट ऑफ से 29 नंबर पीछे हूँ तो कभी ना कभी तो वो दिन आएगा कि आई विल रूल दिस एग्जाम। और वही हुआ कि 707 मार्क्स मेरे पहले अटेम्प्ट में थे, अभी 811 नंबर थे, 100 मार्क्स से ज़्यादा इंप्रूव कर पाया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्ट्रैटेजी पता चल गई थी। और वो स्ट्रैटेजी बदलती रहती है करंट अफेयर्स के साथ, एग्जाम के पैटर्न के साथ, तो वो सब ऑनलाइन भी समझा जा सकता है सर। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन के सारे शेड्स आंसर कर दिए। साथ ही प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा भी अपने आईएएस बनने के सपने को साकार कैसे उन्होंने किया बताया और सफर पर प्रकाश डाला। बताया कि जीवन में लक्ष्य बनाना, ईमानदारी से परिश्रम कर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं इसलिए जो है डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि जब वैभव यहाँ पर बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो कई बार जो है उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं और कई बार जो है कई ऐसी चीज़ें भी बता जाते हैं जो संभवतः उन्होंने ना की होती हों। लेकिन वैभव ने जो अपना अकाउंट दिया तैयारियों का, मैंने इतना ईमानदारीपूर्ण अकाउंट जो है रेयरली सुना है लोगों को बात करते हुए। तो ये आपकी जो शुरुआत है बड़ी शानदार है, ये जो ह्यूमिलिटी है, जो आपकी विनम्रता है, ये आपका सबसे बड़ा आभूषण है, इसको बना के रखिएगा। इसके लिए ज़रूर मैं आपको शुभकामना दूंगा, क्योंकि ये सबसे रेयर गुण है जो बहुत जल्दी से हमारे जो है सेलेक्ट होने के बाद में, अधिकारी बनने के बाद में बहुत तेज़ी से चला जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई 20 घंटे में पढ़ता था और मैंने तो जो है क्लास फोर्थ में ही बना लिया था हिसाब कि मैं तो आईएएस बनूंगा। तो उससे क्या होता है कि जो दूसरे बच्चे हैं ना, जैसे जो बेचारा बोल नहीं पा रहा है, वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरा तो क्लास फोर्थ निकल गया, मैं तो एट्थ में आ गया, 4 साल तो मैं वैसे ही पीछे हो गया, तो मैं कैसे बनूंगा। दूसरी बात जो है, जो हम लोगों ने आज आयोजन करवाया और आपको माला बच्चे आकर के पहना रहे थे, तो उसका भी अपना प्रयोजन है। कई बार जो है हम और आप हो सकता हूँ ना फील कर पाए, या अभी तो आप नए हैं, आप भी फील करते होंगे इस बात को, मैं तो अभी भी करता हूँ कि जब हम लोग आईएएस अधिकारियों को या किसी बड़े अधिकारी को देखा करते थे, भले ही वो बीडीओ हो, खंड विकास अधिकारी हो, तो भी हम लोगों को लगता था कि यार ये भी इंसान ही है क्या। डीएम साहब को हमने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था, खाली अखबार में पढ़ा करते थे। मैंने इंटर किया और मैं भी पढ़ने में अच्छा छात्र था, तो अपने विद्यालय में, अपने जिले में टॉप किया था उस साल मैंने, तो मुझे सम्मानित करने के लिए मेरे विद्यालय वालों ने हमारे तत्कालीन डीएम साहब, वो 95 बैच के हैं, भुवनेश कुमार साहब, उनको आमंत्रित किया। तो पहली बार मैंने अपनी आंखों से जो है
किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखा, तो जैसे इंस्पिरेशन की कहानी वैभव सुना रहे हैं अपनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला रियल इंस्पायरिंग मोमेंट था जिससे मुझे लगा कि यार मुझे भी जो है कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, वो एक मोमेंट था। और उसके बाद मैं उनको मिला 2016 में, तो उन्होंने मेरी आंखें देख करके मुझे पता नहीं कैसे पहचान लिया कि यार तुम देखे हुए हो, कहाँ मिले थे ये बताओ। तो मैंने कहा सर आपने मुझे जो है करीब 12-13 साल पहले सम्मानित किया था तब ऐसे ऐसे कॉलेज में, तो मैं उनकी दाद देता हूँ कि उन्होंने इतना पुराना जो है याद रखा। और दूसरे जो है मुझे भी एक ऐसा लगा कि एक लाइफ का पूरा सर्किट घूम करके वापस वहीं पर आ गए जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल गॉड लाइक स्टेटस होता है किसी अधिकारी को या किसी जो है ऐसे व्यक्ति को जो आप बनना चाहते हैं और उसको अपनी आंखों से देखें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा स्मृति चिन्ह दिया गया, सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वैभव आनंद शर्मा के माता पिता को भी शॉल उड़ाई गई और उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन सहकारी बैंक राजेश यादव, चीफ इंजीनियर पंकज पांडे, वरिष्ठ अधिकारी अमित कादियान, संपत्ति अधिकारी RRP सिंह, AE एकता, AE सागर गुप्ता, कर्मचारी संगठन अध्यक्ष संजय सत्संगी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।